आईपीएल 2021 धीरे धीरे आ रहा है करीब और सारी टीमें कस रही हैं अपनी कमर, क्योंकि दोस्तों सभी आठ की आठों टीमों आईपीएल 2021 का खिताब अपने नाम करना चाहती है। सभी टीमों ने कस ली है कमर, सभी टीमों की है तैयारियां शुरू, सभी टीमों ने बना लिया है अपना अपना प्लान, क्योंकि दोस्तों मुकाबला जो होने वाला है, कड़ा होने वाला, जो जंग होने वाली है बड़ी होने वाली है, राहें आसान नहीं होने वाली, तो दोस्तों प्लानिंग भी बड़ी होने वाली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, आरसीबी क्या होने वाली है, आरसीबी की रणनीति आईपीएल 2021 में, जिससे वो जीत सके आईपीएल 2021 का खिताब, क्योंकि दोस्तों अभी तक एक भी बार नहीं जीत पाई है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल का खिताब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीबी आईपीएल 2021 के लिए क्या प्लान तैयार कर रखा है, और इस प्लान के साथ, इस रणनीति के साथ क्या आरसीबी आईपीएल 2021 का खिताब कर पाएगी अपने नाम। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन दोस्तों उससे पहले, आपने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सोच क्या रहे हो, जल्दी जल्दी कर लीजिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर ये देखते हैं कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खेमे में कौन से ऐसे प्लेयर हैं, मतलब आरसीबी के जो सेनापति हैं विराट कोहली, इनकी कोहली की टोली में कौन से ऐसे हथियार हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिन पे ज्यादा बिलीव करने वाली है कोहली की टीम। दोस्तों अगर हम यहाँ पे ओपनिंग की बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, देवदेव पडक्कल और मोहम्मद अजहरुद्दीन आपको देखते हुए नजर आ सकते हैं। जो आरसीबी की फर्स्ट चॉइस है वो देवदत्त पडक्कल और मोहम्मद अजहरुद्दीन। दोस्तों शुरुआत के दो या तीन मैचों में विराट कोहली इनको मौका देने वाली, अगर अजहरुद्दीन की परफॉर्मेंस अच्छी होती तो लगातार इसी कॉम्बिनेशन, इसी ओपनिंग जोड़ी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर अजहरुद्दीन फ्लॉप होते तो इनकी जगह पे विराट कोहली भी ओपनिंग कर सकते हैं, या दोस्तों देवदत्त पडक्कल फ्लॉप होते तो उनकी जगह पर विराट कोहली भी ओपनिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आरसीबी की जो ओपनिंग जोड़ी है वो निकल पड़ी, मतलब विराट कोहली को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो तीसरे नंबर पे दिखने वाले हैं किंग कोहली, रन मशीन कोहली तीसरे नंबर पे आपको आरसीबी के लिए बैटिंग करते नजर आएंगे। और अगर आरसीबी की जो ओपनिंग जोड़ी है वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, दमदार परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, अगर विराट कोहली को ओपन करना पड़ा तो दोस्तों वन डाउन पे आपको यहाँ पे दिख सकते हैं श्रीकार भरत और सूर्यास प्रभु देसाई, दोस्तों ये दोनों नए बल्लेबाज आपको वन डाउन करते नजर आ सकते हैं अगर विराट कोहली ओपन करते नजर आएंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ पे चौथे नंबर की बात करें तो एबी डिविलियर्स, इनका फिक्स है इसी नंबर पे बैटिंग करते रहेंगे। पांचवें नंबर की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल, मैक्सवेल का भी लगभग फिक्स है पांचवें नंबर पर आरसीबी के लिए आईपीएल 2021 में बल्लेबाजी करते रहेंगे। छठवें नंबर की बात करूं तो वॉशिंगटन सुंदर, छठवें नंबर पे आपको वॉशिंगटन सुंदर दिखेंगे। अगर दोस्तों हम यहाँ पे सातवें नंबर पे बात करते हैं, सातवें नंबर तो जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा हाई है। दोस्तों अगर मैं सातवें नंबर की बात करूँ तो सबसे पहले डेनियल सम्स की तरफ जाएंगे, डेनियल सम्स अगर फ्लॉप होते हैं तो काइल जेमिसन, काइल जेमिसन फ्लॉप होते हैं तो डेनियल क्रिश्चियन। अगर दोस्तों हम यहाँ पे सातवें नंबर के लिए आरसीबी की बात करते हैं, इनके पास तीन तीन बढ़िया ऑप्शन है जो बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर सकते हैं और गेंदबाजी भी जबरदस्त कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे आठवें नंबर पर आरसीबी के कौन सा प्लेयर खेलता हुआ नजर आ सकता है आईपीएल 2021 में, शहबाज अहमद, पवन देशपांडे और हर्षल पटेल। दोस्तों इन तीनों को आरसीबी लगातार रोटेट करती रहेगी, क्योंकि दोस्तों जैसे विकेट होगा उसी हिसाब से इनका चयन होगा। मान लो चेन्नई के पीछे जहां पे स्पिन सपोर्ट करता है तो शहबाज अहमद आपको खेलते नजर आ सकते हैं। दोस्तों मुंबई के पीछे आपको हर्षल पटेल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों शहबाज अहमद, पवन देशपांडे और हर्षल पटेल ये तीनों रोटेट होते रहेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे नौवें नंबर की, दोस्तों हम यहाँ पे नौवें नंबर की बात करें तो नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज ये दोनों खेलते हुए आपको नजर आएंगे। कभी ऐसा होगा कि मोहम्मद सिराज अकेले खेलेंगे, कभी नवदीप सैनी अकेले खेलेंगे, और कभी कभी ऐसे होगा दोनों ही प्लेयर आरसीबी के प्लेइंग 11 में होंगे। दोस्तों हम यहाँ पे दसवें नंबर की बात करें, दसवें नंबर पर जो फिक्स है युजवेंद्र चहल। दोस्तों जो दसवें नंबर का स्थान है आरसीबी के लिए, युजवेंद्र चहल यहाँ पे फिक्स है और लगातार पूरे के 14 के 14 मैच खेलते रहेंगे। अगर दोस्तों हम यहाँ पे 11वें नंबर की बात करें तो एडम जंपा और के रिचर्डसन, दोस्तों अगर स्पिन विकेट होता है मान लो चेन्नई या दिल्ली का विकेट होता है तो यहाँ पर एडम जंपा को मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये कोहली के टोली के वो प्लेयर है जिन पे ज्यादा निर्भर, ज्यादा बिलीव करने वाला है आरसीबी आईपीएल 2021 में। वहीं दोस्तों हम बढ़ते हैं यहाँ पे आरसीबी के रणनीति की तरफ, देखते हैं आरसीबी 2021 आईपीएल के लिए
लेके आ रणनीति लेके उतरी है। जो दोस्तों इनकी रणनीति है बिल्कुल साफ साफ दिखती नजर आ रही है। आरसीबी के जो ओपनर है वो पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे और टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे विराट कोहली पारी को संभालेंगे, इनिंग को संभालेंगे, आरसीबी की इनिंग को संभालेंगे। वहीं दोस्तों हम यहाँ पे फिनिश करने की बात करें तो इनके पास है एबीडी और ग्लेन मैक्सवेल। आप दोस्तों सबको पता ही है ऐसे बल्लेबाज है, अगर सपोज दैट 12 से 13 ओवर के बाद आरसीबी के पास एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर होते हैं, पिच पे होते, तो आप सोच सकते हो कितना खतरनाक फिनिश कर सकते हैं दोस्तों ये दोनों। हम यहाँ पे कहते हैं कि T20I में लास्ट के ओवरों में जो यॉर्कर होती है वो काफी ज्यादा कामगार होती है। लेकिन दोस्तों एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल ऐसे प्लेयर हैं जिनके सामने ना तो यॉर्कर चलती है ना तो बाउंसर चलती है, क्योंकि दोस्तों एबी डिविलियर्स मिस्टर 360 है, कोई भी बॉल पे वो छक्का मारने की काबिलियत रखता है। वो छक्का नहीं दोस्तों, एक बॉल पे तीन साइड में वो छक्का मारने की काबिलियत रखते हैं। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल की बात करते हैं ये भी एबी डिविलियर्स की राह पे चल पड़े, तो मतलब किसी भी बॉल को ये छक्का मार सकते दोस्तों। इनको इनका फिनिशर लाइन दिख रहा है काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। वहीं दोस्तों जो आरसीबी की तीसरी रणनीति है वो ये है कि जो इनके ऑलराउंडर से जरूरत पड़ने पे 4-5 ओवर में बैटिंग कर सके, मतलब अच्छे से रन बना सके और मिडिल ओवरों में गेंदबाजी करके अपनी टीम के लिए बढ़िया गेंदबाजी कर सके, मतलब एक आध दो विकेट भी निकाल सके और ज्यादा रन ना खाएं, थोड़ा किफायती रहे। अगर दोस्तों मैं इनका फास्ट अटैक की बात करूं तो इस बार काफी बेहतर नजर आ रहा है इनका फास्ट अटैक, क्योंकि जो इनके पास फास्टर है नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज, के रिचर्डसन, एडम जंपा और दोस्तों इसमें आरसीबी के पास तीन ऐसे गेंदबाज हैं, तीन ऐसे फास्टर हैं जो गेंदबाजी के साथ बढ़िया बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, डेनियल सम्स, काइल जेमिसन और डेनियल क्रिश्चियन। लेकिन दोस्तों आरसीबी इनसे बल्लेबाजी की ज्यादा उम्मीद नहीं करेगी, ये चाहेगी आरसीबी की जो रणनीति है कि इनके जो तेज गेंदबाज शुरू में मतलब 6 ओवर में बढ़िया गेंदबाजी करे और डेथ ओवर में बढ़िया गेंदबाजी करे, सामने वाली टीम को शुरुआती झटके दे और डेथ ओवर में जो आरसीबी के लिए हमेशा के लिए प्रॉब्लम होती है केन रिचर्डसन की अगुवाई में एक डेथ ओवर बढ़िया बॉलिंग करे। दोस्तों नवदीप सैनी भी अब काफी अच्छे डेथ बॉलर बन गए हैं, तो मतलब यहाँ पे आरसीबी की जो रणनीति है यहाँ पे काम करती नजर आ रही है। तो अगर मैं स्पिनर्स की बात करूँ तो वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, एडम जंपा और शहबाज अहमद। दोस्तों हम यहाँ पे चहल और सुंदर की बात करें तो पिछले सीजन काफी ज्यादा कमाल की गेंदबाजी करी थी, अगर दोस्तों ये फॉर्म इनका बरकरार रहा, साथ देते नजर आएंगे एडम जंपा और शहबाज अहमद, तो मिडिल ओवर में आरसीबी किसी भी सामने वाली टीम को अपने पे हावी नहीं होने देगी, क्योंकि दोस्तों जो ये गेंदबाज है जो इनकी स्पिन जोड़ी है ये किफायती होते हैं, किफायती होने के साथ साथ विकेट भी निकालते रहते हैं। अगर मैं दोस्तों चहल की बात करूं तो आरसीबी के की फैक्टर हैं, जब जब आरसीबी को विकेट की जरूरत होती है तो आरसीबी चहल को याद करता है और चहल विकेट निकाल के देते हैं। तो आरसीबी के दोस्तों ये होने वाली है रणनीति आरसीबी की आईपीएल 2021 के साथ। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस रणनीति के साथ आरसीबी आईपीएल 2000 के खिताब पर अपना कब्जा जमा पाएगी? दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है हाँ, आरसीबी आईपीएल 2021 का खिताब इस रणनीति के साथ अपने नाम कर सकती है। दोस्तों अब बारी आपकी, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिए लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।